तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये तुलाराम कैफ जहाँ पे है डिमासा उमरांगसो में, तो यहीं से कैफ का रास्ता है, ये देख सकते हैं आप। तो आप सभी को दिखाएंगे यहाँ का कैफ कैसा है। तो नमस्कार, मैं हूँ ओम बिस्टा और स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी को। और आज दिखाएंगे मैं यहाँ का जो तुलाराम कैफ है उसी को। चलिए मेरे साथ वीडियो में बना रहेगा आखिर तक। तो ये है रास्ता तुलाराम कैफ का, ये यहाँ से जाना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी थोड़ा कुरदुरा है और पत्थर भरा है, तो थोड़ा बच के जाइएगा। और ये पहला कैफ नहीं है ये उमरांगसो डिमासो में, क्योंकि कैफ एक ही कैफ नहीं है, बहुत सारा कैफ है। और अभी तो ये एक ही कैफ का डिस्कवर हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है कल परसों ही। और यहाँ भी ये देख सकते हैं ये भी कैफ है। और मैं चलता हूँ ये जो बड़ा कैफ अभी जो फ़िलहाल इनॉग्रेशन हुआ है इसी कैफ के और चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। यहाँ से आप जा सकते हैं ये रोड होके, आइए मेरे साथ वीडियो में बना रहिएगा। और ये है रास्ता, यहाँ से होते हुए आपको जाना है। और ये मेरा वाइफ अविनी विस्टा, हम दोनों एक साथ गए हैं कैफ देखने के लिए। और सुनने में आया है बहुत बड़ा कैफ है, मैं भी ये कैफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। ये देखिए कोई कैफ जाके आ चुका है, बच्चे लोग को भी लेके गया, बहुत ही मज़ा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जाते जाते मिलेगा एक काट का छोटा सा ये ब्रिज, नैरो ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत। और आपको आसपास देखने मिलेगा बहुत सारे जंगल, पहाड़ और बड़ा बड़ा पत्थर है, जो बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। आइए चलते रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा चट्टान, बहुत ही बड़ा पहाड़ है यहाँ पर जो ये पत्थर का। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग आए हैं, काफ़ी कैमरा फोटो शूट वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए काफ़ी यहाँ पे कपल्स लोग भी आए हैं कैफ को देखने के लिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आइए मेरे साथ आगे बना रहिएगा। देख सकते हैं कोई यहाँ पे आया कर रहा है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा पेड़ भी है, पत्थर भी है। और ये काफ़ी ये पेड़ का रूट्स और यहाँ पे भी है। और ये चलते चलते मैं पहुँचने वाला हूँ कैफ में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है तुलाराम कैफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये यहाँ का एंट्री, जो कैफ का अंदर एंटर होता है वही प्लेस है, ये वही जगह है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से आपको उतरना होगा, ये देखिए। चलिए नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे कैफ के अंदर, तो बना रहिएगा वीडियो में। आप जा रहे हैं अंदर में, चलिए। ये यहाँ पे एक सीढ़ी लगाया गया है काट का, तो यहाँ से उतरना है आप सभी को। यहाँ से उतरते हुए निकलेंगे, फिलहाल तो लाइट नहीं है। तो दोस्तों आप जब भी आएंगे अपना टॉर्च लाइट जो भी है वो लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे डीजी लगाया गया है। आइएगा, काफ़ी बड़ा कैफ है और हाइट में भी आप देख सकते हैं कम से कम 50 फुट से भी ज़्यादा हाइट है। और चारों तरफ आप और रास्ता भी यहाँ पे, मतलब ये रास्ता का भी कोई एंडिंग मिल ही नहीं रहा है अभी तक तो। और ये देख सकते हैं ऊपर भी अभी सारा रास्ता है, यहाँ भी है। अब जहाँ से रास्ता ढूंढेंगे यहाँ रास्ता ही रास्ता है, तो थोड़ा देखिए, देख के ही जाइएगा, क्योंकि रास्ता का यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे कैफ देखने के लिए, एकदम भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे कैफ पे अभी फिलहाल, बहुत ही ज़्यादा लोग पूरा कैफ देखने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर का रास्ता से जाके दिखाएंगे कि ऊपर क्या है, कितना दूर तक है रोड। और थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि यहाँ का जो रोड है वो थोड़ा फिसलन भरा है, काफी फिसलन भरा रोड है, देख के आइएगा यहाँ पे क्योंकि गिरने पर यहाँ पे आपको नुकीला नुकीला पत्थर ही मिलेगा बस, और आपका हाथ पैर भी टूट सकता है थोड़ा देख के अभी हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर जा रहे हैं, स्लिप है, स्लिप है, थोड़ा देख के आइए, बहुत पिछला है। तो मैं अभी मिडिल में पहुंच गया हूं और नीचे दिखा रहा हूं, काफी पिछलन भरा है, थोड़ा देख के संभाल के आइए, बहुत पिछला है। हो सके तो थोड़ा लेडीज और बच्चा लोग नहाए, क्योंकि बहुत फिसलन है, यहाँ पे गिर गया तो बहुत ही
ज़्यादा खतरा है। और थोड़ा आगे तक जा रहे हैं हम लोग। अभी एक भैया गिरने वाला था, बाल बाल बच गया। और दोस्तों मैं तो ये अभी ऊपर पहुंच चुका हूं और ऊपर से आपका नीचे का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। ये देखिए ये ऊपर, ऊपर देखिएगा आप। ओ बाप रे, ऐसे लग रहा है कि मतलब बर्फ का ये बना हुआ है ऊपर, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ का जो स्टोन है ये काफी चमकीला स्टोन, बहुत ही शाइनिंग कर रहा है। और आपको देखने मिलेगा ये, ऐसे लग रहा है ये मार्बल का, मार्बल स्टोन है। अब सामने से आपको दिखाएंगे इसको, ये देखिएगा छू के इसको, काफी खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत नजारा देखने मिलेगा आपको। आपको ऐसा सेम कैप देखने मिलेगा आपको, जो मलेशिया में है सबसे बड़ा कैप शायद वैसे ही सेम ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्त लोग आए हैं देखने के लिए। और इसका रास्ता तो इसका एक कोई छोड़ ही नहीं मिल रहा है, मतलब इतना ज्यादा दूर तक रोड है, जितना जाएंगे उतना ही आपको रास्ता मिलते रहेगा। और थोड़ा संभल के आइएगा यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ का रोड है ये काफी फिसलन है, ये पकड़ने के लिए यहाँ पे रूट्स है। इसका इस्तेमाल करते हुए निकल रहा हूँ, थोड़ा देखना भाई। और एक रूट्स मिल गया यहाँ पे मुझे, इसी से मैं चढ़ के ऊपर जाके दिखाता हूँ। ओह, और ये जो पत्थर देख रहे हैं काफी चमकीला, आपको वीडियो में तो शायद इतना चमकीला दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जो रियल में देखेंगे सामने से तो काफ़ी चमकीला है। ऐसे लगता है कि मतलब ये मार्बल स्टोन से भी ज़्यादा ही चमकीला है। और यहाँ पे दोस्त लोग बैठा हुआ है। कैसे लगा भैया आपको ये कैप देख के? बहुत अच्छा लगा ना? और भैया आपको कैसे लगा कैप? मस्त है ना? चलो ठीक है। इतना बड़ा कैफ है दोस्तों, यहाँ पे छोटा मोटा एक मेला लग सकता है। और इसका अंदर भी रास्ता है, लेकिन इसका अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, तो यहीं तक दिखा देते हैं। तो ये उमरान सो का नया कैप फिलहाल ही इनोग्रेशन हुआ है और काफ़ी बड़ा है, ऐसा कैप शायद आपको देखने मिलेगा ये मलेशिया में, उससे भी ज़्यादा बड़ा है ये और काफ़ी खूबसूरत ये कैप है। ज़रूर आइएगा विजिट करने के लिए। और प्लीज़ ये सब जबड़ा ये सब अंदर ना फेंकिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और अपना जगह को खूबसूरत और क्लीन रखें। और यहाँ पर सिर्फ एक कैप नहीं है, सुनने में आया है और भी तीन चार कैप यहाँ पर है, तो इसका भी धीरे धीरे करके शायद इमिग्रेशन करेगा, यहाँ पे डेवलप करेगा। उसके लिए धन्यवाद और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। ऑन दिस ब्लॉग में थैंक यू।